जल जमाव की समस्या को लेकर एमएसयू ने बैंकर्स कॉलोनी में दिया एक दिवसीय धरना। सदर बीडीओ ने सड़क बनाने का 15 जून तक का दिया लिखित आश्वासन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी में जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय सुमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। दर्जनों लोगों के द्वारा आंदोलन सड़क किनारे बैठ कर दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, बैंकर्स कॉलोनी के लोग पिछले 10 सालों से जल जमाव का सामना कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए कोई भी नेता पार्टी यहां मौजूद नहीं है। जिला पार्षद हो, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी से गुहार लगाने के बाद भी किसी ने इस समस्या पर कुछ नहीं किया। लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं, जिसको देखते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन का रास्ता को अपनाने का फैसला किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ एक दिवसीय धरना सड़क किनारे बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। कहा, अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज संकेत धरना से आंदोलन का शुरुआत किया गया है। जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो जाता, हम लोग आंदोलन अब जारी रखेंगे। उन्होंने विधायक, सांसद, जिला परिषद के अलावा मुखिया पर जमकर हल्ला बोला। कहा, ये नेता किसी भी काम के नहीं हैं, जनता इनको सिर्फ चुनाव के समय में दिखती है। चुनाव होने के बाद ये नेता जनता को भूल जाते हैं। अभी जनता अपना लड़ाई खुद लड़ेगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा, नगर निगम क्षेत्र का पानी यहाँ के वार्ड मोहल्ले में लग जाता है। दो पंचायत का मामला होने के कारण सड़क निर्माण अब तक नहीं हो पाया। या तो इसे नगर निगम में शामिल किया जाए, नहीं तो पंचायत स्तर पर इसे समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग आने वाले समय में सदर ब्लॉक के बीडीओ और सीओ को भी घेरने का काम करेंगे। जमकर इनकलाब जिंदाबाद का नारेबाजी किया गया। नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के भी खूब नारे लगे। साथी, आप लोग भी अपना पैमाना तय कर लीजिए। वोट देने का आपका पैमाना क्या है, ये तय कर लीजिए। आप जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जिसका संघर्ष से कोई लेना देना नहीं, जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। उनको पार्टी वाला टिकट देता है, आप उनको नेता चुन लेते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन आप नाले के नाम पर उनसे बात नहीं करते हैं कि ना तुम वोट लोगे